उस टाइम पे सब्सिडी शायद मेरे ख्याल से एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए सब्सिडी मिला नहीं था 2021 में। 20 किलोमीटर्स का रेंज ड्रॉप मिला है। 0 to 100% के लिए 5 आवर्स लगते हैं 0 to 100% होने में। 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी है, तो आई थिंक 2 to 3 यूनिट कंज्यूम होता है फ्रॉम 0 to 100 चार्ज करने के लिए। तो 60 किलोमीटर्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड मिलती है इसके अंदर। हे व्हाट इज अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस अमेजिंग वीडियो, जिसके अंदर हम करने वाले हैं रिव्यू प्योर ईवी के एक स्कूटर को। तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे प्योर ईवी स्कूटर का एक रिव्यू वीडियो लेके आओ, तो आज मैं एक प्योर ईवी स्कूटर का रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ। एक यूजर से बात करेंगे जिन्होंने स्कूटर को 19,000 प्लस किलोमीटर चलाया है, और जानेंगे यार कि उनका एक्सपीरियंस स्कूटर के साथ कैसा रहा है। तो पहले तो मैं लूंगा इस स्कूटर का एक राइड, और उसके बाद हम जानेंगे स्कूटर के ओनर से कि उनका एक्सपीरियंस इस स्कूटर के साथ कैसा रहा है। तब तक आप एंजॉय करो सिनेमैटिक्स, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस प्योर ईवी के स्कूटर का यूजर रिव्यू। तो आज हमारे साथ है एक ऐसे यूज़र जिन्होंने इस प्योर ईवी के स्कूटर को अराउंड 19,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया, और मेरे ख्याल से यार ये बेस्ट यूज़र है जिनसे मैं प्योर ईवी स्कूटर का यूज़र रिव्यू ले सकता हूँ। तो मैडम आप मुझे ये बताइए कि आपने स्कूटर को कब परचेस किया था? अगस्त 2021 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 साल होने वाला है। और आपने इसे एग्जैक्ट कितने किलोमीटर चलाए अब तक? 19,600 किलोमीटर चला लिया मैम ने इस स्कूटर को। उस टाइम पे आपके पास क्या ऑप्शंस थे इस प्योर ईवी के स्कूटर के अलावा? इसके अलावा एक और ऑप्शन था एथर का, ओके, जिसका रेंज था अराउंड 80 किलोमीटर्स, ओके, एंड इसका रेंज उस टाइम पे 120 था। ओके, तो उस टाइम पे इसका रेंज 120 था? Yes, and my requirement was more. और उस टाइम पे ओला का ऑप्शन था आपके पास बाय करने के लिए? ओला या फिर कोई दूसरे? उस टाइम ओला लॉन्च नहीं हुआ था, तो अगस्त 21 में ओला का जो स्कूटर है वो लॉन्च नहीं हुआ था, और एथर थोड़ा कॉस्टली था, इसलिए शायद मैम ने ये प्योर ईवी का स्कूटर प्रेफर किया। और एक चीज़ बताइए कि ऑन रोड आपको कितने का पड़ा था? 94,000 यस ऑन रोड। तो 94,000 रुपीज़ में ऑन रोड पड़ा था मैम को 2021 में। जब आपने परचेज किया था स्कूटर को, तब आपको इस पर कुछ सब्सिडी मिली थी? नहीं, उस टाइम पे सब्सिडी अंडर प्रोसेस था गवर्नमेंट के, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ मिला नहीं। ओके, तो उस टाइम पे सब्सिडी शायद मेरे ख्याल से एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए सब्सिडी मिला नहीं था 2021 में। और उस टाइम पे कंपनीज का कितना रेंज क्लेम करती थी? 120 किलोमीटर्स। और आपको इसका कितना रेंज मिला है? प्रैक्टिकली 100 तक गया। प्रैक्टिकली 100 किलोमीटर्स, दैट वाज मैक्स। या दैट वाज। और आज कितना रेंज मिलता है आपको स्कूटर का? आज 80 मिलता है, 70 to 80। सो मतलब 20 किलोमीटर्स का रेंज ड्रॉप मिला है। बैटरी कितना? 2.5 किलोवाट का है। 2.5 किलोवाट का बैटरी। तो ये है इसका बैटरी पैक, रिमूवेबल है, और आप यहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हो और बैटरी को रिमूव कर सकते हो। अगर आप कहीं सोसाइटी में रहते हो और चार्जिंग के लिए आपके पास पॉइंट नहीं है, तो आप बैटरी निकाल के ऊपर ले जाके आराम से चार्ज कर सकते हो, और फिर वापस प्लेस करके बैटरी आप यहाँ पे स्विच है इसे ऑन करो, एंड देन यूर गुड टू गो। और चार्जिंग टाइम कितना है इसका? 0 to 100% के लिए 5 आवर्स लगते हैं 0 to 100% होने में। अब आप इसे डेली चार्ज करते हो, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब में कुछ डिफरेंस आया है बिल में? कुछ डिफरेंस आया है इसमें? 2 to 3 यूनिट्स लगता है 0 to 100%। 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी है, तो आई थिंक 2 to 3 यूनिट कंज्यूम होता है फ्रॉम 0 to 100 चार्ज करने के लिए। और इसके अंदर आपने कुछ एडिशनली स्पेंड किया हुआ है? या इसमें ये खराब हो गया था मेरा, डैमेज हो गया था, ओके, तो ये रिप्लेस करा है, दैट्स इट। गॉट इट, मतलब वो एक तरीके से डैमेज रिप्लेसमेंट था, ठीक है। या तो उसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ इसके अंदर किया हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल से पूरा स्टॉक है, खाली वो आगे का रिप्लेस किया हुआ है वो भी ड्यू टू डैमेज। उसके अलावा मेरे ख्याल से आपने कुछ इसमें मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं किया हुआ, राइट? दैट्स वेरी गुड। और इसके अंदर कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि कभी कम्यूट के टाइम या राइड करते टाइम आपको पावर या फिर पिकअप कम पड़ रहा है? नहीं, मोस्टली किलोमीटर ज़्यादा ड्राइव करना रहता है, तो आई यूज टू स्विच द मोड्स। कितने मोड्स हैं इसके अंदर एक्चुअली? तीन मोड्स हैं। मैक्सिमम स्पीड देने वाला थर्ड मोड है। उस पे आपको मैक्सिमम स्पीड कितनी मिलती है इसमें? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड मिलती है इसके अंदर, जो मेरे ख्याल से सिटी के लिए काफ़ी सही है। हालांकि आप इसे बहुत हाईवे के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिटी कम्यूट के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। और आप इसे डेली कितना कम्यूट कवर करते हो? मतलब 54 किलोमीटर्स आप डेली ट्रैवल करते हो इस पर। तो मेरे ख्याल से यार अगर आप सोचो तो आपका
पेट्रोल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाएगा अगर आपके पास एक ईवी स्कूटर है तो। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कूटर के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड था, बहुत अच्छा, जैसे एक्सपेक्टेशंस था वो मीट हो गया था। आप रिकमेंड करोगे यूजर्स को ये स्कूटर? यस डेफिनेटली, मतलब बहुत अच्छा स्कूटर है, अभी इसमें बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन भी आए हैं। ठीक है, ये 21 का मॉडल है एंड दिस इज प्योर ईवी नियो ई ट्रांस, लेकिन इसके कुछ अभी नए मॉडल्स भी आए हैं। ये था एक छोटा सा वीडियो प्योर ईवी के स्कूटर के यूज़र रिव्यू का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।